most respected fellow and a very progressive man. We used to have the same views about life, about society. He had a socialistic bent of mind. I too. Our film se jode the. He is the person who brought me to film. मैं याद कैसे करूं? वो तो हमारे बड़े भाई थे. वो बड़े भाई चले जाने से जो दुख होता है वही दुख मुझे हो रहा है. वो मेरे लिए बड़े भाई और पर्सनल रिलेशन उनके साथ जो था वो पहले, बाद में डायरेक्टर थे वो. मैंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया. तो तब वो कमर्शियल फिल्म बनाते थे, जैसे शुरू में जब उन्होंने स्टार्ट किया मुसाफिर के बाद, असली नकली, अनाड़ी, इस टाइप के. फिर मेरे साथ उन्होंने बनाई दो दिल, प्यार का सपना, फिर कब मिलोगी, जिसमें दिलीप साहब ने भी काम किया था, बीवी और मकान. तो कमर्शियल. तो हमारी बदकिस्मती है जब उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि आनंद, मिली, गुड्डी और अनुपमा, अनुराधा. तो वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो एक्टर्स थे वो काम करने लग गए. लेकिन हमें खुशी होती थी कि ऋषि भाई इस टाइप का फिल्म बनाते जा रहे हैं. और उनके हर फिल्म, आनंद तो मैंने 13 टाइम्स मैं देख चुका हूँ. अभी भी जितनी बार बोलेंगे मैं देखने के लिए तैयार हूँ आनंद. मुझे इतना अच्छा लगता है आनंद. और मेरे हिसाब से इतनी फिल्में उन्होंने बनाई, मेरे हिसाब से आनंद वॉज इज बेस्ट. इट्स माई पर्सनल व्यू. आनंद वही है. ऋषि राय में यही खासियत थी कि जैसे आप गोलमाल देखिए, खूबसूरत देखिए, बावर्ची देखिए, आपको लगेगा कि आप, आपके जो घर की कहानी वही आप देख रहे हैं. तो ये उनमें, एंड ही हिमसेल्फ वाज अ वेरी होम लविंग पर्सन एंड वेरी सिंपल. तो वो सिंपलिसिटी उनके फिल्मों भी उसका छाप आया. जैसे वो इंसान थे ना, सिंपल एक आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है वो बहुत अच्छी तरह वो दिखा सकते. एंड ही हिमसेल्फ वॉज इंस्टीट्यूशन. तो आज के जो जनरेशन है, जो टेक्नीशियंस आए हैं, उनके लिए दुर्भाग्य है कि वो ऋषिदा से नहीं मिल सके और उनके काम को वो मतलब उनके पास बैठ के काम नहीं सीख सकेंगे. तो ही वॉज इंस्टीट्यूशन. एंड उनका जो काम है, फिल्म देखने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो कैसे अच्छी फिल्में बनाते थे, मतलब उनकी फिल्म में कभी वल्गर फिल्म उन्होंने बनाई नहीं, कभी वायलेंट फिल्म नहीं बनाई उन्होंने, विथ लॉट ऑफ एक्शन एंड इस टाइप की फिल्म उन्होंने बनाई. हालांकि एक्शन हीरोज़ को लेकर फिल्म बनाई उन्होंने, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, तो उन्होंने चुपके बनाए इस टाइप के. तो उनका जो थॉट, उनका जो सोच है वो उनके पर्सनल देखा है. और वो सोच हमारे जो जनरल ऑडियंस है उसके ऊपर ये छाप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो छोड़ गए हैं, तो वो मुझे लगता नहीं और कोई कर पाएगा. क्या ऋषिदा चेस खेलते थे सेट पर? तो ये हम लोगों को बहुत ताजुब होता था कि ऋषिदा, शूटिंग इधर चल रही है, इधर रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग, ऋषिदा इधर बैठ के, उनके असिस्टेंट हो कोई भी हो उनके साथ बैठ के वो चेस खेल रहे हैं, चेस में बिजी है. करते करते नहीं 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 वह फिर से करो.
तो मैंने ऋषिता से पूछा, ऋषिता ये क्या है, आप इधर चेस खेल रहे हैं और इस चेस में बहुत ब्रेन की ज़रूरत है, दिमाग चाहिए, और शूटिंग में भी दिमाग की ज़रूरत है, तो आप यहाँ खेलते खेलते कैसे आपने बोल दिया कि ये फिर से करो और ये लाइटिंग इधर मत करो जयंत, इधर लाइट घुमाओ, ये सब आप कैसे करते हैं? तो मैंने उनको मजाक से बोला, आपका थर्ड आई है क्या, आप देख सकते हैं शिव जी जैसा? तो हंसने लग गए, मतलब ज़रूर आपका थर्ड आई होगा शिव जी की तरह, त्रिनेत्र कहते हैं, तो हंसने लग गए। तो मुझे लगता है ऋषिता में कुछ ऊपर वाला ने कुछ दिया था, ये ऊपर वाला का आशीर्वाद कुछ था जिसमें वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग नहीं थे, उससे हायर लेवल के इंसान थे वो।